आपने भारत में क्या क्या पढ़ा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ड्राइवर इंस्टॉलेशन, फिर शेयरिंग तरीके, नेटवर्किंग की, फिर मदरबोर्ड के बारे में कुछ पार्ट्स बताए थे। सेवन डे सर छुट्टी थी, एक महीने देखा, फिर उसके बाद सर आपने सीपीयू असेंबलिंग की आप वीडियो दिखाई थी, उसके बाद टीम वीवर बताया था और टेन के बाद रैम के टाइप्स बताए थे। आज अच्छा ये बताएं, अपन जब फॉर्मेट करते हैं तो बायोस सेटअप कैसे लेकर आते हैं? बायोस सेटअप लाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, उसके बाद कैप्टन कैसे लेकर एक्टिव है, साथ में अपन रिलीज करते हैं, प्रेस करते हैं, ये की बटन दबाते हैं, तब अपन बायोस सेटअप करते हैं। फर्स्ट डिवाइस पर क्या करते हैं? फर्स्ट डिवाइस पर अपन सीडी डीवीडी रखते हैं और सेकंड पर हार्ड डिस्क आटा रखते हैं। अपन जब सिस्टम फॉर्मेट करते हैं और अपन को सी पार्टीशन को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? सी पार्टीशन को डिलीट करने के लिए डी एंड करते हैं, डी के लिए डी एंड। शेयरिंग कैसे करते हैं? नेटवर्क शेयरिंग करने के लिए सबसे पहले माय कंप्यूटर पे जाते हैं, माय कंप्यूटर पे जाते हैं, डी ड्राइव पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप डी ड्राइव के बाद डी ड्राइव के अंदर ऑप्शन आ जाए कि आप वीडियो को ले सकते हैं। सॉरी सॉरी, सर नेटवर्क सिक्योर शेयरिंग सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आप वीडियोस को लेते हैं, तो क्लिक करते हैं। उसके बाद सब चेक्स बॉक्स आते हैं, फर्स्ट पे ये रहता है कि अपन उसको क्लिक कर देंगे तो वो उसे पकड़ के सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें से रीड नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। सेकंड वाला ऑप्शन रीड नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते। फर्स्ट पे अपन क्लिक करेंगे तो उस अपना सिस्टम नंबर देंगे या फिर कोई भी नाम दे सकते हैं। सेकंड पे क्लिक करें, अप्लाई करें, मतलब उसके बाद आप बताओ टीम वीवर का यूज़ अपन क्यों करते हैं? टीम वीवर का यूज़ अपना मेन कंप्यूटर अपन को सारे कंप्यूटर से एक साथ बात करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो अपने कंप्यूटर के आईडी पासवर्ड उन सारे कंप्यूटर पे डालते हैं, कनेक्ट करते हैं, लॉग करते हैं। रैम कितने प्रकार होती है? रैम 5 के टाइप रैम होती है, उसमें 4 GB रैम, 6 GB रैम का सिस्टम है, तो कम सिंक्रोनस डायनामिक रैम एक्टिव मेमोरी और सेकेंड DDR1 DDR2 DDR3 DDR4।